विंटर का सीजन है और शादियों का सीजन है, तो किसको अपने फेस पे ग्लोइंग और नेचुरल फेयरनेस नहीं चाहिए। आज का ये वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैडम हमारे फेस पे ग्लो और फेयरनेस कैसे आए, इसके ऊपर कोई होम रेमेडी बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ में जो होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, ये मैंने खुद ट्राई की है, क्योंकि फ्रेंड जैसे आप लोग जानते हैं कि शादियों का सीज़न चल रहा है, तो आप लोगों की तरह ही मुझे भी ग्लोइंग स्किन चाहिए थी। तो मैंने ये ट्राई किया और मुझे इसका 2 दिन में ही रिजल्ट मिला, और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में मुझे इसको शेयर करना चाहिए। ये जो होम रेमेडी बहुत ही आसानी से बनने वाली है, जितने भी इन्ग्रीडियंट है आपकी किचन में आपको आसानी से मिलने वाले हैं, इसलिए इस होम रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको कौन से इन्ग्रीडियंट्स लगने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए फ्रेंड, आपको चाहिए चावल का पाउडर। अगर आपके पास चावल का पाउडर नहीं है तो सिंपली आप चावल ले लीजिए, उसको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरीके से पीस कर एकदम महीन सा पाउडर बना दीजिए, तो ये आपका चावल का पाउडर बनके रेडी हो जाएगा। आपको चावल का पाउडर सिर्फ 1 चम्मच लेना है, साथ ही में थोड़ा सा पिंच, 1 या 2 पिंच आपको हल्दी लेनी है। हल्दी आप जो अपने खाने में यूज़ करते हैं वही हल्दी की बात कर रही हूँ, आपको सिर्फ 1 से 2 पिंच ही लेनी है। साथ ही में आपको 1 चम्मच यहाँ पे हनी यानी कि शहद लेना है, और आपको 1 चम्मच से लेके 2 चम्मच यहाँ पे मिल्क लेना है यानी कि दूध लेना है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। इसको मिक्स करने के बाद में आपकी ये होम रेमेडी बनके तैयार हो जाएगी। फ्रेंड आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 से 2 बार आपको यूज़ करने के बाद में खुद ही इसके रिजल्ट देखने मिलेंगे। ये जो आपकी होम रेमेडी बनके तैयार हुई है, इसको अच्छी तरीके से अपने फेस के ऊपर रब कर लीजिए। चावल का आटा है इसके अंदर, इसलिए ये स्क्रब का काम करेगा, इसलिए आपको अच्छी तरीके से अपने फेस के ऊपर इसको स्क्रब करना है, ताकि जितनी भी डेड स्किन है वो निकल जाए, और जितने भी आपके फेस पे टैन हुए रखे हैं वो सारे टैन इजीली रिमूव हो जाए। टैन रिमूव होने के बाद में आपकी स्किन जो है अपने आप ही पॉलिश मारना शुरू कर, अपने आप ही ग्लोइंग करना स्टार्ट कर देगी। इसको आपको एटलीस्ट 5 मिनट तक अच्छी तरीके से मसाज करनी है अपने फेस के ऊपर, और फिर 5 मिनट के लिए आपको इसको ऐसे ही रखना है। आप इस 5 मिनट के अंदर कोई फेवरेट मैगजीन या फिर कोई फेवरेट टीवी शो देख लीजिए। 5 मिनट तक इस होम रेमेडी को अपने फेस पे ऐसे ही लगा रहने दीजिए, उसके बाद में हल्के नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर लीजिए। और फ्रेंड आफ्टर वॉश आपको इसके खुद ही रिजल्ट देखने मिलेंगे, बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट आप खुद ही देखेंगे फ्रेंड। और आपको जो भी रिजल्ट मिलता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि फ्रेंड मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया है, मेरे साथ में तो इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मेरी जो स्किन थोड़ी डल हो गई थी वो इस पैक को यूज़ करने के बाद में अच्छी हो गई है, ग्लोइंग हो गई है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे, और इसको यूज़ करने के लिए भी हार्डली 5 मिनट लगेंगे, तो 10 मिनट के अंदर आपका ये पैक बन के लग के भी रेडी हो जाएगा और आपको ग्लोइंग स्किन मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आप लोगों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं ऐसे वीडियोस ज़रूर लेकर आऊँगी। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।